नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार प्लस में। आपसे मुखातिब हूं मैं असित्रा। कर्नाटक में एक जगह है बेल्लारी। कर्नाटक से बाहर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में लोग बेल्लारी को नहीं जानते थे। सोनिया गांधी ने वहां से चुनाव लड़ा, बेल्लारी को पूरा देश जान गया। विदिशा, विदिशा की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। सुषमा स्वराज वहां से सांसद बनी, देश विदिशा को जानने लगा। कुछ राजनीतिक घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमको, आपको कुछ अलग तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करती हैं, और वही राजनीतिक घटनाएं कुछ जगहों को पूरे देश में पहचान भी देती हैं। उत्तर प्रदेश का बनारस भी पूरे देश में अचानक राजनैतिक विचारधारा का केंद्र बना। उससे पहले वो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी था बनारस पूर्वांचल में, लेकिन अचानक पूरे देश में, मुझे लगता है कि भले पूर्वांचल के लोग बनारस काशी को लेकर बहुत ज्यादा भक्ति भाव रखते हों, लेकिन दक्षिण भारत में शायद ही कुछ लोग हों जो बनारस को जानते हों, ज्यादातर नहीं जानते होंगे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े तो बनारस को पूरे देश ने जाना। अब एक जगह है कुशीनगर, पूर्वांचल में है, देवरिया के पास है, गोरखपुर देवरिया के बीच में। ये कुशीनगर सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में है? कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, कुशीनगर में राहुल गांधी गए, कुशीनगर में प्रियंका जाने वाली हैं। ऐसी क्या खास बात है कुशीनगर में? माइक्रो लेवल की लड़ाई चल रही है। एक एक पॉकेट, एक एक वोट, एक एक वर्ग महत्वपूर्ण हो गया है राजनीतिक दलों के लिए, और इसलिए कुशीनगर कप्तानगंज भी बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं राजनीतिक दलों के लिए। लेकिन कुशीनगर का संकेत क्या है? कुशीनगर के इंपॉर्टेंट होने का मतलब क्या है? क्यों महत्व देने लगे राजनेता या राजनीतिक दल के लोग अचानक कुशीनगर को? आज चर्चा करेंगे। ठेठ भोजपुरिया इलाका है कुशीनगर। ठेठ भोजपुरिया देवरिया से अलग जिला बना। पहले कप्तानगंज देवरिया में हुआ करता था, अब कप्तानगंज कुशीनगर में। उसी कुशीनगर में 12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उसी कुशीनगर में राहुल गांधी गए, और उसी कुशीनगर में प्रियंका गांधी जाने वाली हैं। कितना महत्वपूर्ण क्यों है कुशीनगर? बनारस तो है नहीं जहां से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी भी नहीं है जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही हैं, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, रायबरेली भी नहीं है जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही हैं। तो आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है कुशीनगर? रिपोर्ट देखिए, पता चलेगा। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर, कहते हैं राम के बेटे कुश ने इस नगर को बसाया था। ये वो नगर है जहां बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध ने आखिरी सांस ली थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये बताकर कौन सा दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, ये सब तो आपको पहले से ही मालूम है। तो साहब, अगर बताने को कुछ नया नहीं होता तो हम बताते भी नहीं। इसमें कुछ नया है क्योंकि बीते 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कुशीनगर के कप्तानगंज में थे। 4 दिन बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी उसी कुशीनगर में पहुंचे, और शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी कुशीनगर पहुंच रही है। तो कुछ तो खास है इस कुशीनगर में। राजनेता यूं ही घूमने थोड़े ही आएंगे कुशीनगर, तो आइए उसी खास को तलाशते हैं। लेकिन पहले जरा प्रधानमंत्री को सुनिए जो कुशीनगर में वो बोल गए। तो मसला ये है कि कुशीनगर को रामपुत्र कुश ने बसाया। कहते हैं कि यहीं से कुशवंशियों का विस्तार हुआ। कुशवंशी मतलब कुशवाहा, और कुशवाहा मतदाताओं की बड़ी तादाद है यूपी और बिहार के पूर्वांचल में। कुशीनगर बिहार से भी सटा है, मतलब अकेले कुशीनगर से यूपी और बिहार के कुशवाहा मतदाताओं के बीच खुद को कुश भक्त दिखा सकते हैं ये राजनेता। तो ये बात तो हो गई एक तीर से दो शिकार की, लेकिन यहाँ एक तीर से तीन शिकार की कोशिश है, मतलब यूपी के पूर्वांचल के कुशवाहा और बिहार के भोजपुरी बेल्ट के कुशवाहा के अलावे कुशीनगर में तीसरा वोट बैंक भी सधता है। ये वोट बैंक है दलित।
बाबा साहब ने बाद के दिनों में बौद्ध धर्म अपना लिया था। दलित समाज का एक बड़ा तबका बौद्ध धर्म मानता है और दूसरा बड़ा तबका बौद्ध धर्म से सहानुभूति रखता है। और कुशीनगर वो जगह है जहां बुद्ध ने आखिरी सांस ली, बौद्ध धर्म का बड़ा तीर्थ। तो जाहिर है उस वोट बैंक के लिए नेताओं को भी कुशीनगर की तीर्थ यात्रा करनी ही है। हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को 15 लाख रुपए नहीं मिला। अनिल अंबानी को नरेंद्र मोदी ने बैंक अकाउंट में सीधा 30,000 करोड़ रुपए डाल के दिए। राफेल घोटाले में 45,000 करोड़ रुपए उस चोर का चौकीदार ने कर्जा माफ किया। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी नाम आप जानते हो, इनका 5,55,000 करोड़ रुपए 56 इंच की छाती वाले चौकीदार ने कर्जा माफ किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 5,55,000 करोड़ रुपए उनका माफ किया, कुशीनगर के किसानों का कितना रुपया माफ किया? ये लोग बैंक के पीछे वाले दरवाजे से घुसकर अपना काला धन नरेंद्र मोदी की मदद से सफेद कर रहे हैं। राजनीति में संकेत और संदेश बहुत मायने रखते हैं, जैसे जनेऊ और टोपी। इनके जरिए संकेत संदेश का प्रवाह होता रहता है। वैसे ही कुशीनगर से भी संकेत संदेश के प्रवाह की कोशिश हो रही है। कुशवाहा और दलित कम थोड़े ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। आज हमारे साथ चर्चा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता विनीत शुक्ला जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर मंजू दीक्षित जी हैं, समाजवादी पार्टी नेता संदीप शुक्ला जी हैं, दलित चिंतक संतोष दोहरे जी हैं। ये संयोग देखिए कि जब कुशीनगर में हम कुशवाहा और दलित राजनीति की बात कर रहे हैं कि उसे साधने की कोशिश हो रही है। मैं देखिए कोई जातीय टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एक अजीब स्थिति है राजनीतिक दलों में। हम लगातार पैनल में बैठते हैं, भाजपा विनीत शुक्ला, कांग्रेस मंजू दीक्षित, सपा संदीप शुक्ला। हमारा खास अनुरोध था राजनीतिक दलों से कि भाई अगर कुशवाहा हो, दलित हो आपकी पार्टी में, तो आज की डिबेट में उन्हें भेजिएगा। लेकिन वाकई आप लोगों के पास प्रवक्ताओं की सूची उठाकर देखिएगा साहब, कितने दलित प्रवक्ता हैं, कितने कुशवाहा हैं। चलिए ठीक है, आप सभी लोगों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। संतोष दोहरे जी से शुरू करेंगे, चूंकि संतोष दोहरे जी आए हैं। हाँ संतोष दोहरे जी, जी दो एंगल मैं समझ पाया, कुशीनगर को इतनी तवज्जो अचानक क्यों दे दी गई? भाई प्रधानमंत्री भी कुशीनगर जा रहे हैं, राहुल गांधी भी जा रहे हैं, प्रियंका भी जाने वाली हैं, तो अचानक कुशीनगर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? दो बात समझ में आई, कुशीनगर भाई कुशवंशियों का प्रसार वहीं से शुरू हुआ, ये बताया जाता है कि कुश ने वो शहर बसाया, और कुशवंशियों का, कुशवंशी मतलब कुशवाहा, ये बिहार में भी बड़ी तादाद में है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी बड़ी तादाद में है, तो आसानी से साध सकते हैं इस मतदाताओं को। दूसरा बुद्ध, भगवान बुद्ध ने वहां आखिरी सांस ली थी, तो वो एक प्रभाव है। बाबा साहब अंबेडकर आखिरी समय में वो भी बौद्ध हो गए थे, तो दलितों का एक बड़ा वर्ग बुद्धिस्ट है, जो नहीं है उसमें भी एक बड़ा वर्ग बुद्धिज्म से सहमत है या सहानुभूति रखता है, तो इस पर भी प्रभाव छोड़ देंगे। यही पॉलिटिक्स है ना? जी असित नाथ भाई साहब, सबसे पहले तो हमारा हार्दिक जय भीम स्वीकार करें। जय भीम। दूसरा जो आपने सवाल पूछा, बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मेरे विचारों से कुशीनगर के बारे में मेरा कहना है कि आपको मालूम है भाजपा का एजेंडा है, भाजपा का सिद्धांत है हिंदुत्व, और उधर जो आपने बताया कि कुशवंशी कुशवाहा, इसमें हम शंका पैदा करेंगे कि अगर कुशवंशी कुशवाहा जी हैं और कुश तो राम के पुत्र थे, राम जनरल कैटेगरी में है, तो कुशवाहा शूद्र कैसे हो गए?
ओबीसी कैसे हो गए, लेकिन खैर ये तो धार्मिक बात है। लेकिन भाजपा हिंदुत्व को साधने के लिए उधर इतना प्रयास कर रही है कि उधर धार्मिक क्षेत्र में हिंदू धर्म के आधार पर हमको वोट मिल जाए, ये उसका सारा प्रयास है। लेकिन ये वहां की जनता अभी इतनी समझदार और होशियार हो चुकी है, अच्छी तरह जान चुकी है कि भाजपा का अब ये धर्म संबंधी कोई भी एजेंडा, कोई भी स्टेटमेंट अब काम नहीं करेगा। अच्छा चलिए, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ विनीत शुक्ला जी हैं। विनीत शुक्ला जी, देखिए सवाल दूसरा था, सवाल ये है कि अचानक राजनीतिक फलक पर कुशीनगर इतना महत्वपूर्ण हो गया, ये यूं ही नहीं हुआ है सर, कुछ तो वजह है। असित जी, पूरा देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पूरे देश की 130 करोड़ जनता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जात धर्म पंथ की बात हम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी जात की बात नहीं करती, जिनको बात करनी है करें, मतलब कोई दलित की बात करेगा, कोई यादव की बात करेगा, कोई पिछड़े की बात, कोई अगड़े की करेगा। एक आग्रह भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करनी है। एक आग्रह मेरी तरफ से है, वो सुन लीजिए। टीवी देखने वाला, बताइए बताइए, टीवी देखने वाला जो दर्शक होता है सर, वो थोड़ा पढ़ा लिखा होता है और उसे मालूम है। आप अपनी ही पार्टी में, सुनिए शुक्ला जी, आप अपनी ही पार्टी की सूची निकाल लीजिए उम्मीदवारों की, 90% टिकट, 90% उम्मीदवार तय होते हैं जातीय समीकरण देखकर। आपकी पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई पार्टी, ये आपका काम है, ये आपका काम है। आपकी पार्टी टिकट देती है, हम थोड़ी टिकट देते हैं, हम नहीं देते हैं। आपकी पार्टी, असित जी, असित जी, ये आप निकालिए। और बिना जातीय समीकरण देखे जो पार्टी टिकट नहीं देती है, वो पार्टी हम जात की बात नहीं करूंगा। असित जी, मैं जात की बात नहीं करूंगा, कितने बार भी कह लीजिए, बिना जातीय समीकरण दिए जो पार्टी, मैं बोलूंगा जात की बात, मैं जाति की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये मत कहिए कि हमारी पार्टी जात की बात करूंगा और 130 करोड़ देशवासियों की बात करूंगा। हर नागरिक इस देश भारत में पैदा होने वाला इस देश का नागरिक है, उसकी बात करूंगा मैं, सिर्फ जात की बात नहीं करूंगा। जिसको जात पे नागरिक नहीं, वो मांग रहा है। नागरिक की बात के लिए तो आज का हमारा विषय है नहीं सर, तो मैं नगर, जो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो कह रही है, जो हमारे प्रधानमंक्ति का लक्ष्य है। सुनिए विनीत, हर उस अंतिम पंक्ति में बैठे हुए विनीत शुक्ला जी, सवालों का जवाब ही सिर्फ आना चाहिए, भाषण का ये मंच नहीं है, माफ कीजिएगा। सवालों का जवाब अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो इसे भाषण का मंच ना समझे। बहुत बहुत शुक्रिया, अभी रुक जाइए आप। आपके पास आ रहे हैं संदीप शुक्ला जी, नहीं सुनने हैं संदीप शुक्ला जी, आप हमारे मुंह में बात न ठूसिए, संदीप शुक्ला की बात नहीं सुनेंगे। अरे भाई साहब रुक जाइए, दूसरों के पास जाने दीजिए ना, दूसरे लोग भी बोलने आए हैं ना साहब, रुक जाइए थोड़ी देर। संदीप शुक्ला जी, तो आप हमें भाषण सुना रहे हैं ना? अरे भाई साहब कुछ देर रुकिएगा, रुक जाइए, दूसरों को बोलने दीजिए। संदीप शुक्ला जी भाई, हमने पूछा कि कुशीनगर का इम्पोर्टेंस राजनीतिक फलक पर यूं ही नहीं बढ़ गया अचानक कि सारे लोग पहुंच गए, मोदी जी भी जा रहे हैं, राहुल जी भी जा रहे हैं, प्रियंका भी जा रही हैं, तो कुछ तो वजह है साहब, वरना राजनेता यूं ही कहीं घूमने नहीं जाते, हमें भी मालूम है। देखिए जहां तक मैं मानता हूं, मैंने अध्ययन किया कुशीनगर पे, तो कुशीनगर की सीट पर कांग्रेस लड़ाई में हमेशा रही चुकी, तो भाजपा वहीं पर ज्यादा घेर रही है जहां पर वो देख रही, कांग्रेस भी लड़ाई में है, मिर्जापुर में घेर रही है, कुशीनगर में घेर रही है चौथे चरण में, बाकी तो गठबंधन से सीधी लड़ाई वो हार ही रही है। इन सीटों में सोच रही त्रिकोणी हो गया है तो शायद हम उसको अपनी तरफ कर ले जाए लास्ट में, और कांग्रेस भी इसीलिए हर नेता जा रहा है, गठबंधन के सब नेता जा ही चुके हैं तो रूटीनल गए हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की प्रियंका जी कई बार, मतलब राहुल भी गए, प्रियंका भी जा रही है, इन सब पीछे कारण हो सकता है कि वहां आरपीएन सिंह बड़े नेता हैं, लड़ाई में रहे हमेशा कांग्रेस, ये कारण हो सकता है। अच्छा, ये एक वजह हो सकती है, ठीक है। मंजू दीक्षित जी, आप भी क्या सिर्फ यही एक वजह मान रही हैं कि चूंकि एक बड़े नेता आरपीएन सिंह हैं, तो आरपीएन सिंह को हराने के लिए मोदी जी भी पहुंच गए वहां, और आरपीएन सिंह को जिताने के लिए राहुल और प्रियंका दोनों पहुंच रहे हैं वहां? असित जी, सबसे पहले तो जो आपने बात कही थी जातिगत प्रवक्ताओं को लेकर के, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे यहाँ जो प्रवक्ता हैं उसमें हर जाति धर्म के लोग हैं। सिर्फ मैं आ गई हूँ आज, तो इत्तेफाकन आपको नाम के आगे दीक्षित लगा दिख गया, अदरवाइज वैसी सोच नहीं है नहीं, नहीं, जी। और जो बात कुशीनगर की आ रही है, तो मैं ये कहूंगी कि पूरा देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सारे देश की जनता हमारे लिए महत्वपूर्ण है,
और मुद्दे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। रही बात कुशीनगर की, तो कुशीनगर में चूंकि आरपीएन सिंह एक बहुत मंझे हुए नेता हैं और प्रवक्ता भी हमारे रहे हुए हैं, पहले मंत्री भी रह चुके हैं, तो ये सीट एकदम जीती हुई है कांग्रेस की। अच्छा अच्छा। और रही बात इसकी है कि वहां राहुल जी जा रहे हैं और प्रियंका जी का संभावित है जाने का, तो मेरे ख्याल से वो हर जगह जा रहे हैं। कल वो बनारस भी गई हैं, महाराजगंज भी, और तकरीबन हर जिले में जाने का हो रहा है इन दोनों ही नेताओं का। तो इसको अगर हम इस विशेष परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ बहुत न्याय संगत नहीं होगा। हाँ, एक बात महत्वपूर्ण है, चूंकि कुशीनगर जो है वो बौद्ध नगरी के रूप में विख्यात है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है वो बुद्धिज्म को लेकर के, तो एक बौद्ध धर्म का ज्ञान, वहां के मसले और वहां की संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। और शायद इसी बहाने मैं तो चाहूंगी कि ये नेता जा रहे हैं, इसी बहाने कुछ कैमरे आप लोगों के घूम जाए उन जगहों की तरफ भी जिनको देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं, और उस पर अगर मीडिया की भी दृष्टि जाएगी तो अच्छा होगा। हाँ, कुछ मसले हैं जैसे बिजली हुआ, बाढ़ हुआ, गन्ने की समस्या हुई, इनको भी कांग्रेस पार्टी परिषद संतोष दोहरे जी, संतोष दोहरे जी भाई देखिए, जातीय समीकरण देखकर टिकट बांटने वाले राजनीतिक दल के नेता कहते हैं कि हम जात पात नहीं करते। अच्छा है, गंभीर डिबेट के दौरान हंसने के भी कुछ मौके होने चाहिए, बहुत ज्यादा गंभीर बातें अच्छी भी नहीं होती हैं, थोड़ा मजाक वजाक होता रहता है। आपको हंसी आती है क्या आसिफ जी? शुक्ला साहब आपसे सवाल नहीं, शुक्ला साहब आपसे सवाल, सबके साथ सबके विकास की बात, शुक्ला जी की आवाज बंद कर दीजिए, शुक्ला जी हंसी आती है क्या? शुक्ला जी की आवाज बंद कीजिए, बंद कीजिए इनकी आवाज, आपसे सवाल नहीं है, संतोष दोहरे जी से आवाज सवाल है। आपके पास आएंगे साहब, आप बोलिएगा ना, अपनी बात रखिएगा, सबके बारी बारी से सबके पास आएंगे ना, सबको पक्ष रखने का मौका मिलेगा। बीच में बोलने लगिएगा, ये कहेंगे हमको आपने कम मौका दिया, वो कहेंगे हमको आपने कम मौका दिया, ये अच्छा नहीं होता है। जब आपके पास आएंगे आप बोलिएगा, क्यों आरोप लगवाइएगा मेरे ऊपर कि इसी विनीत जी को आपने मौका दिया, हमें बोलने का मौका नहीं दिया। तो बारी बारी से सबके पास आएंगे, आपके पास भी आएंगे, उसमें अपनी बात रखिएगा। और सर एक और चीज मैं आपको बता दूं अनुरोध के साथ, समाचार प्लस पर चीखने चिल्लाने की परंपरा नहीं है, हम लोग बहुत आराम से सलाहियत से बातें करते हैं, आपके पास आएंगे, आप उसका जवाब दीजिए, काउंटर कीजिए दूसरे नेता का, बस इतना ख्याल रखिए कि बीच में नहीं बोलना है, चीखना चिल्लाना नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होना है, वो सब नहीं करना है, ठीक है? बिल्कुल बढ़िया से मजे से आराम से एक एक सवाल के जवाब आएंगे, अच्छा लगेगा। संतोष दोहरे जी, तो जब जातीय समीकरण देखकर टिकट बांटने वाले लोग कहते हैं कि हम जात पात की बात नहीं करते, अच्छा लगता है, इस तरह की बातें होनी चाहिए, मन हल्का होता है ऐसे, लेकिन कुशीनगर का राजनीतिक महत्व इतना बढ़ जाना, क्या इतनी सी बात है जितनी बात ये तीनों नेता बता रहे हैं हमें? दोहरे साहब, होगा, लेकिन असलियत यह है कि भारत हमारा जाति प्रधान देश है। भाजपा के प्रवक्ता कह जरूर रहे हैं कि हम जात की बात नहीं करते, होनी भी नहीं चाहिए तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन आप किसी भी सीट पर अगर कैंडिडेट का कैंडिडेचर देखें तो हर पार्टी ने जातिगत आंकड़ा लगा के ही कैंडिडेट उतारे हैं, और यही हर इलेक्शन में होता है। और अगर कोई भी पार्टी बिना जात को देखते हुए कैंडिडेट उतार देगी तो उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन बिगड़ जाएगा, और ये सच्चाई है। कहने को बातें, हवा हवाई बातें अलग होती हैं, जो सुंदर सुंदर बोली जाती हैं, भाषण में भी बोली जाती हैं, लेकिन हकीकत कहीं और होती है। बिल्कुल उसी तरह कुशीनगर में है, कुशीनगर में कुशवाहा प्लस दलित की संख्या ज्यादा है। अब वहां पर ये भाजपा के नेतागण वहां जाके, अभी लास्ट चरण है, तो वहां हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, हिंदू मुसलमान करके उसको वोटिंग करना चाहते हैं, और इसके पास कहने को तो कुछ है नहीं, जनता जान चुकी है। ठीक है, अगर भाजपा वास्तव में हिम्मत वाली होती तो 2014 के एजेंडे पे जो आपने काम किए हैं तो दमदारी से 56 इंच का सीनर ठोक के चुनाव लड़ना चाहिए था। विनीत जी से काउंटर ले लीजिए, विनीत जी से जवाब ले लीजिए, ये सच्चाई है। जातिगत दोहरे साहब, विनीत जी से जवाब हो ही नहीं रहा भारत में। बोलिए विनीत शुक्ला जी, जवाब देंगे इनको? बिल्कुल बिल्कुल जवाब देंगे।
56 इंच की छाती की बात करते हैं तो 56 इंच की छाती के साथ मैं बात करता हूं कि हमने सबके साथ सबके विकास की बात की, हमने जाति पे वोट नहीं मांगे, हमने विकास पे वोट मांगे हैं। उन गांव गरीब के आंसू पोंछने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, उन गरीबों को जिनको गरीबी का नारा लोग देते रहे और कच्चे घरों में ढकेला, उनका पक्के घर बनाने का काम मोदी जी ने किया, उन गरीब महिलाओं के जिनके फेफड़े खराब होते थे उनको 10 करोड़ गैस चूल्हे दिए गए, उज्ज्वला के माध्यम से शौचालय दिया गया, उन गरीब महिलाओं को और तमाम महिलाओं को जो इज्जत दी गई है ये शौचालय बना करके, आज जो सब्सिडी कृषि की बात करते हैं, कृषि पे 15,000 करोड़ रुपया ब्याज की जो सब्सिडी है वो माफ की गई है। आपको लगता है कि काम नहीं किया? आपको क्या मोदी जी में कोई कमी, केवल नफरत ही दिखती है? मोदी जी ने बहुत सारे काम किए। प्रधानमंत्री जी हमारे काम करते हैं। विनीत जी ब्रेक का वक्त हो गया है, काम करते हैं। विनीत जी ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन सवाल पूछा गया था कुशीनगर को अचानक मिले पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस पर, जवाब आया सरकार की योजनाओं पर। यही मैं कह रहा हूं कि आप जिस विषय पर बुलाए गए हैं वो विषय छोड़ के आप लोग तमाम बातें बोलिएगा, इस विषय पर आप लोग कुछ नहीं बोलिएगा क्योंकि इससे आपकी पोल खुलती है सबकी। ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी लौटेंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, डॉक्टर मंजू दीक्षित के पास आएंगे, प्रवक्ता कांग्रेस। डॉक्टर मंजू दीक्षित जी, क्या आपको याद है कि इससे पहले के किसी चुनाव में कुशीनगर में राष्ट्रीय स्तर के इतने नेताओं की रैलियां हुई हों? असित जी, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं ये बात बखूबी जान रही हूं कि कुशीनगर जो है वो तमाम मुद्दों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण जगह है, और कुशीनगर ही छोड़िए देश के तमाम हिस्से इस तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं जिस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए चुनाव एक बहुत आसान सा उपाय होता है, जिसके माध्यम से लोग नेता वहां जाते हैं, वो चाहे प्रचार के माध्यम से जाएं और उसके पीछे पीछे जो है तमाम मीडिया रहती है। तो मैं यहां पर मीडिया से भी अनुरोध करूंगी कि सिर्फ उन नेताओं की कवरेज ना करें, उन समस्याओं को भी उनके साथ साथ दिखाएं जो उस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। तो मुझे लगेगा कि दो तरफा काम हो जाएगा कि एक तरफ नेताओं की कवरेज भी होगी और ये जो वहां की समस्याएं हैं चाहे किसी भी क्षेत्र की हो। देखिए, सवाल दूसरा था, समस्याओं से जुड़ा सवाल नहीं था, सवाल ये था कि क्या आपको याद है कि कुशीनगर में इससे पहले राष्ट्रीय स्तर के इतने नेता ताबड़तोड़ पहुंचे हों? आप अब लगी पत्रकारिता पढ़ाने सबको, नहीं दिक्कत है, आप पत्रकारिता पढ़ा नहीं सकते? नहीं असित जी, ऐसी बात मत कहिए। मैं वही कह रहा हूँ, पत्रकारिता हम नहीं, मैं आप लोग सच स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए इतना गोल गोल जलेबी छानने की जरूरत पड़ी है। देखिए मैडम, आशीष जी भाजपा कांग्रेस की प्रवक्ता होने के अतिरिक्त मैं इस देश की नागरिक हूँ, एक शिक्षक हूँ, तो मेरी भूमिका दोहरी तेरी है। मैं सिर्फ प्रवक्ता होने के नाते बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर वो बात कह रही हूँ कि इंदिरा जी से लेकर के तमाम और भी लगातार वहाँ गए हैं। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। सच यही है कि भाई साधना है किसी खास वोट बैंक को, कुशीनगर इसीलिए महत्वपूर्ण है, देवरिया भी जाया जा सकता था, किसी और जगह भी जाया जा सकता था, लेकिन कुशीनगर ही तमाम राष्ट्रीय नेताओं के जाने का मतलब है कि उस वोट बैंक को साधना है। सच यही है ना, पर्दा डालने की क्या जरूरत है? इस पर्दा डालने के लिए कितनी जलेबियां बनानी पड़ेगी? असित जी, इस पे तो कोई बहस ही नहीं है, खाने को नहीं मिलेगी ऐसी जलेबी। नहीं नहीं, देखिए ये तो कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि सियासत जब भी होती है राजनीति का एकमात्र मकसद ही होता है सीट जीतना। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ये ईमानदार जवाब रहा आपका। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हर राजनीतिक दल चाहता है कि उसका उम्मीदवार जीते, कांग्रेस भी ये चाहती है कि उसका उम्मीदवार जीते, तो उसके लिए हम अपने प्रचार के लिए जा रहे हैं, इसी के लिए लड़ते हैं कि जीते। आपके पास आ रहे हैं संदीप शुक्ला जी। जी भाई, बड़ा सीधा सवाल है, क्या आपको याद है कि कभी राजनीतिक फलक पर कुशीनगर इतना महत्वपूर्ण हुआ हो कि तमाम राष्ट्रीय नेता वहां पहुंच रहे हों? देखिए, इस बार का चुनाव नेक टू नेक दिखाई पड़ रहा है और एक एक सीट का महत्व है। हाँ, अंतिम चरण का चुनाव हो रहा है, एक पॉकेट की जंग चल रही है।
अंतिम चरण का चुनाव है, तो अब धीरे धीरे अपनी ताकत झोंकने का कुछ ही क्षेत्रों में अब मौका है, ये भी कारण है। तो लोग अभी पूरे देश में दौड़ रहे थे, अब पता चला पूरे उत्तर प्रदेश में दौड़ रहे थे, अब पता चला कि उन्हीं कुछ जिलों में कुछ सीटों पर चुनाव है अंतिम चरण का, तो वो पूरी ताकत अपनी झोंक रहे हैं। और ये भी पता है चुनाव के बाद एक एक सीटों का कितना महत्व होगा। तो जहां भी लग रहा है कि यहां हमारी स्थिति खराब है और हम इसको मेहनत करके निकाल सकते हैं, तो हर पार्टी का हर नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। कुशीनगर में मामला बहुत तगड़ा है इस बार, महागठबंधन कड़ी टक्कर में है, कांग्रेस उसके बाद है और भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लाजमी है उनका। कांग्रेस इसलिए अपना छोड़ रही है कि गठबंधन बहुत आगे निकल चुका है, कांग्रेस का प्रत्याशी वहां लड़ाई में रहता है तो वो अपनी ताकत झोंक रहा है। गठबंधन तो मुख्य लड़ाई में चुनाव में आगे चल ही रहा है, कुशवाहा प्रत्याशी है, अभी आप बात कर रहे थे, अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता कहेंगे जात की बात। शुक्ला जी आ गई ना बात, विनीत शुक्ला जी हट गया पर्दा जी, एक झटके में कुशवाहा हमारा प्रत्याशी है, एक झटके में हट गया पर्दा साहब, कितने पर्दे आप लोग डालिएगा, आ जाइए ना सच के साथ, क्या बुरा है, आप बोलिए, आप सपा वाले शुक्ला जी आप बोलिए सर, संदीप जी जी जी, तो वहाँ प्रत्याशी हमारा है और सबकी हालत खराब हो गई उसको देखकर, कुशवाहा कि ये तो बहुत आगे निकल गया है, तो हमारा प्रत्याशी इतना आगे निकल चुका है कि बहुजन समाज पार्टी समाजवादी गठबंधन कि कांग्रेस और भाजपा वाले बौखलाए हुए हैं कि कैसे इस सीट को निकालें इनके झोली से। मुख्य कारण ये है कि अच्छा। अब वहां पर पूरी ताकत लगा देना है, मोदी जी वहां पहुंच गए ना, बताइए जी, बताइए इनके कुशवाहा जी से इतनी बौखलाहट हो गई कि मोदी जी वहां पहुंच गए। देखिए आपके पास आ रहे हैं विनीत शुक्ला जी, आप ये कहते हैं ना, आप ये जब कहते हैं ना, देखिए दर्शकों के फोन हमारे दफ्तर में आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं, शो के बाद जब हम लोग जाते हैं तो कई दर्शक हम लोगों से बात करना चाहते हैं कि भाई एंकर से हमारी बात करवाइए, उनका शो ऐसा लगा, कुछ कमियां बताते हैं, कुछ तारीफ बताते हैं लोग, आप प्रवक्ताओं के बारे में भी टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी डिबेट में बैठिए ना, ऐसा कुछ मत बोलिए कि दर्शक आपका मजाक बनाए, किसी भी प्रवक्ता से मैं ये अनुरोध करता हूं, बाद में लोग ऐसी ही बातें करते रहते हैं। ये सर वो कह रहा था कि जात पात उनकी पार्टी तो ये करती है वो करती है, उनका तो फला नेता ही हर मन से अपनी जाति बताता फिरता है, वो कहते हैं, इसलिए ऐसा मत बोलिए सर, दर्शक बड़ा मजाक उड़ाते हैं। अभी देखिए सपा वाले शुक्ला जी ने बीजेपी वाले शुक्ला जी के सामने ही साफ कह दिया कि चूंकि उनका उम्मीदवार वहां कुशवाहा है, कुशवंशियों के इलाके में, इसलिए वो सीट महत्वपूर्ण है, बात खुल गई। बोलिए विनीत जी कौन सी बात खुल गई है ये बताइए आप। जातीय समीकरण जो आप राजनेता करते हैं जो आप लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, कुशवाहा उम्मीदवार है, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए सबका साथ सबका विकास महत्वपूर्ण है, हमारे लिए गांव गरीब किसान का उत्थान महत्वपूर्ण है, हमारे लिए किसान का जो है उसका गन्ना किसान हो चाहे वो अनाज का जो पैदा करते हैं वो किसान हो, सबके सब बराबर हैं, वही जवान हमारे लिए बराबर है, वही नौजवान हमारे लिए बराबर है, वही हर व्यक्ति हमारे लिए बराबर है असित जी। और दूसरे जो काम की बात करिए, कम से कम विकास की बात करिए, काम की बात करिए, खाली जाति और जात की बात मत करिए, हम आपसे इतनी प्रार्थना कर सकते हैं कि आप जात की मत बात करिए, जात पे हंसिए मत, शुक्ला कह के मत हंसिए न हम असित नाथ कह के हंसे, ये बहुत गलत चीज है, इतना मैं जरूर कहूंगा आपसे, जिसके भी फोन आते हो आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आप अपने चैनल के माध्यम से आप कहिए सबका साथ सबका विकास की बात करिए, आप भी निकलिए चुनाव। भैया संदीप जी ने साफ कह दिया उम्मीदवार वहां कुशवाहा है, कुशीनगर जाइए, सुनिए विनीत जी चुनाव चल रहा है कुशीनगर आप भी जाइए, रुकिए इतने नेता जा रहे हैं तो आप भी जाइए, अरे चुनाव चल रहा है तो नेता नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा, विनीत शुक्ला जी सवाल करते हैं, विनीत शुक्ला जी अरे काम की बात करिए, आपके बगल में प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं उसकी बात करिए, देश की संस्कृति को बचाने का जो काम हो रहा है ये चुनाव देश की संस्कृति को बचाने का है, राष्ट्र को मजबूत करने का है, इतना कमजोर हो गया था ये राष्ट्र की मजबूत करना पड़ रहा है, बलवान भी हुआ है, ठीक है देश का देश आज समृद्धशाली हुआ है, अरे जी हो गया ना रुकिए ना, कुशीनगर पर टॉपिक केंद्रित है ना, रुक जाइए ज्यादा अगर रुक जाइए विनीत जी रुक जाइए विनीत जी जनता पार्टी की विनीत जी रुक जाइए आपके बगल में बैठे हैं समाजवादी पार्टी वाले, उन्होंने साफ कह दिया कि चूंकि उनका उम्मीदवार वहां कुशवाहा है इसलिए आप लोग बौखलाहट में हैं, बात बड़ी सीधी, आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि जात की बात मत कीजिए, आप राजनेता करते हैं
उन्होंने कहा कुशवाहा उम्मीदवार है, इसलिए भाजपा बौखलाहट में है। देखिए इनके गठबंधन की नेता असित जी, मायावती जी ने देवबंद से कहा हमें मुस्लिम के वोट चाहिए, इनको किसी और के वोट चाहिए, तो ये कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री ने जो हमसे बोला है, जो देश के सामने रखा है, ठीक है, सवा सौ करोड़ देशवासी की बात और सबका साथ सबका विकास, एकात्मता और राष्ट्र हित की बात कर रहा है भारतीय जनता पार्टी और हमारा प्रधानमंत्री। आज प्रधानमंत्री जी आ गई आपकी बात, लगातार देश के विकास के लिए उसको मैं रखूंगा, उसकी बात करूंगा, हम जात की बात नहीं करेंगे। चलिए ठीक है संतोष दोहरे जी, एक बात तो खुल गई, समाजवादी पार्टी वाले नेताजी ने साफ खोल दिए बात, कब तक पर्दा डालते, डालना भी अच्छा नहीं लग रहा था, दर्शक समझ रहे होते हैं कौन क्या कर रहा है, खूब अच्छी तरह से समझ रहे होते हैं, तो उन्होंने बहुत साफ कह दिया कि भाई ये क्यों बौखलाहट में है, कांग्रेस की क्या स्थिति है वहां, भाजपा को क्यों इतना जोर लगाना पड़ रहा है, चूंकि समाजवादी पार्टी ने कास्ट फैक्टर देखते हुए वहां एक कुशवाहा उम्मीदवार उतार दिया है, क्लियर कट है, जात पात न करे तो राजनीति कैसे कर रहे हैं कोई भी इसमें, संतोष दोहरे जी तो इसमें कोई गलत नहीं है मेरे भाई साहब असित जी, वो तो एक रियल है, रियलिटी है, सच्चाई है कि भारत में बिना जात के बात नहीं होती। दूसरी मैं बड़ा निवेदन करूंगा आपसे कि मुझे अपनी बात कहने दें, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता शुक्ला जी कह रहे थे विकास के बारे में कि सबका साथ सबका विकास, इन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ सबके विकास की बात करती है, मैं इनके विकास के परिभाषा के आधार पर मैं विकास को तीन भागों में बांट सकता हूं, जो सबसे पहले पहला विकास होता है रोटी कपड़ा और मकान, दूसरे नंबर का होता है शिक्षा स्वास्थ्य और संपत्ति, और तीसरे नंबर का विकास होता है इंडस्ट्री बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट। भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है, हमने सिलेंडर दे दिया, हमने बिजली दे दी, हमने कनेक्शन दे दिया, हमने शौचालय दे दिया, ये बहुत ही मतलब लोअर कैटेगरी का, वो जो गरीबी रेखा में रहने वाले लोग हैं उनके लिए रोजी रोटी के आधार पर दैनिक चर्या चलाने के लिए तो आवश्यक हो सकता है, लेकिन आपने देखा होगा विकास की परिभाषा के आधार पर पूरा चुनाव हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ तो किया भारत से, ये बड़ी डिस्टर्बना करे, मेरा निवेदन है गरीबों को इलाज के लिए दिया, मुफ्त दवाइयां दी है, सस्ती दवाइयां भी की है, अभी तक न तो शिक्षा पे बात की, न रोजगार पे बात की, न स्वास्थ्य पे बात की, न किसी जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे बात की। नहीं देखिए, शौचालय जनता को ही दिया, आज की तारीख में गैस भी तो जनता को ही दिया, 1 करोड़ 10 लाख रोजगार घट गए, पता नहीं कितने हमारे प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी घर बैठ गए, ये ठीक है, ये मुद्दा ठीक है, लेकिन जो किया वो किया है, गैस दिया तो दिया है, शौचालय जरूरी चीज है, वही दिया ना, कोई जरूरी नहीं है ताजमहल दे दे, ताजमहल ही दे दे और शौचालय ना हो तो क्या फायदा, तो एक जरूरी चीज दी तो उसकी आलोचना किस शौचालय, हाँ रोजगार कम हुए हैं, ये पेट में रोटी नहीं होगी तो शौचालय किस काम का, ये श्रम मंत्रालय भी कह रहा है कि रोजगार कम किस काम का, जब मेरे पास पैसा नहीं होगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा, जब मेरे पास कुछ नहीं होगा तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा, शिक्षा कहाँ से पाएंगे। असित जी एयर कंडीशन कमरों को भारतीय जनता पार्टी गरीबों के नजदीक जाइए तो मैं कहूंगा कि आप दलित चिंतक हैं, उन दलित शोषित वंचितों के लिए अगर आप चिंतित हैं तो उनके नजदीक जाइए, इसीलिए पास जाइए, शिक्षा की बात कर रहा हूं, मायावती जी है दलितों की नेता, सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं नहीं निकली वही बबुआ, सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं नहीं निकला, पार्टी की बात करते हैं 2004 में केंद्रीय और शिक्षकों की, और 1 अप्रैल 2005 के बाद राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों की पेंशन बंद कर दी, अगर ये संवैधानिक रीत पर काम कर रहे होते, प्रस्ताव पास करते तो सबसे अच्छा, पहले 1 अप्रैल 2004 के बाद डॉक्टर मंजू दीक्षित एमएलए एमपी मंत्री सबकी पेंशन बंद कर देते तो हम इन्हें धर्मात्मा मान लेते और संवैधानिक कार्य करने वाले पार्टी मान लेते, डॉक्टर इन्होंने लाखों करोड़ों कर्मचारियों के पेट अभी कुशीनगर की चर्चा कर रहे हैं, कुशीनगर की इम्पोर्टेंट हो गया है, ये कभी उसमें डिबेट कर रहे हैं, मेरा तो मन हो रहा है शिक्षा पे बात नहीं करते,
बात नहीं करते। अगर 56 इंच की सीना है तो दलितों को लेने की बात करें। पानी पीजिए आराम से। फिर 56 इंच का सीना आ गया। रुक जाइए विनोद शुक्ला जी। विनोद शुक्ला जी 56 इंच का सीना तो इसलिए विनोद शुक्ला जी रुक जाइए ना। प्रयाग में अरे विनोद शुक्ला जी सफाई कर्मचारी थे उनके पैर धोए। मुझे गर्व है ऐसे 56 इंच सीने पे। विनोद शुक्ला जी बीच में मत बोलिए। ठीक है फौज की बहाली के लिए सिपाही की दौड़ थोड़ी करवा रहे हैं कि सीने की पैमाइश में। डॉक्टर मंजू दीक्षित जी, क्या कुशीनगर कांग्रेस के लिए इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कप्तानगंज में जनसभा को संबोधित कर दिया और अब राहुल को भी जाना पड़ा, अब प्रियंका को भी जाना पड़ा, या समाजवादी पार्टी ने एक कुशवाहा उम्मीदवार उतार दिया इसलिए कुशवंशियों के बीच कुशभक्त बनने जाना पड़ा? देखिए, समाजवादी पार्टी ने किसको उतारा है हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो कुशवाहा है या कोई दलित है या कोई सवर्ण है। हमारे लिए उम्मीदवार महत्वपूर्ण है और वो किन मुद्दों को लेकर के चल रहा है ये महत्वपूर्ण है। तो इस संदर्भ में कोई बात हम नहीं करना चाहते हैं कि किस पार्टी ने किस जाति का उम्मीदवार उतारा है। मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण से देखना भी नहीं चाहिए क्योंकि राजनीति में जो व्यक्ति काम सही करे उसको जगह देनी चाहिए। नहीं असित जी हंसी नहीं, आपको हर बात में हंसी आ रही है ना, इसमें हंसने की बात नहीं है। ये राजनीति का आप देखिए, आरपीएन सिंह को यहाँ पर हमने जातिगत नहीं उतारा। अगर आपके मुताबिक वहाँ पर दलित और वोटर ज्यादा है तो हमने किसी दलित को नहीं उतारा। दलित वोटर ज्यादा नहीं है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कुशीनगर एक ऐसी जगह है जहाँ से आप दलित समाज को एक मैसेज दे देते हैं बड़े आराम से, कुशवंशियों को एक मैसेज आप दे देते हैं बड़े आसान से, जैसे टोपी पहन लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, लेकिन वो टोपी पहन के एक मैसेज दे देता है। सिर्फ जनेऊ पहन लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, लेकिन वो जनेऊ की फोटो दिखा के एक मैसेज दे देता है। ये जो मैसेज देने का खेल। आशीष जी आप एक गंभीर पत्रकार है, मैं आपको लंबे वक्त से जान रही हूँ, सुन रही हूँ। मुझे लगता है कि कुशीनगर जी, कुशीनगर ही नहीं मेरे ख्याल से देश का हर क्षेत्र अपने अपने नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ आपने इस पर बहस करा ली है, इस नाते हम ये मान लें कि नहीं कुशीनगर इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि वहां पर हम उसमें से खोद खोद कर बातें निकाले। देखिए कांग्रेस का एक साफ एजेंडा है, कांग्रेस अहिंसा की राजनीति करती है, हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हम मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं। हमने इस देश की आजादी में भूमिका निभाई है, इस देश का संविधान बनाया है और आज भी हम देश के लिए एक सौहार्द का और सहिष्णुता का माहौल लेकर के आना चाहते हैं। और कुशीनगर इस आपकी बहस में अगर ये जवाब चाहिए तो मैं ये जवाब देती हूँ कि प्रभु राम और बुद्ध दोनों के ही जीवन के तमाम महत्वपूर्ण पल इस नगरी में गुजरे थे। तो इस नाते आप कहिए कि ये महत्वपूर्ण जगह है, मुझे नहीं लगता है कि जातिगत कोई ऐसा एजेंडा है। जातिगत एजेंडा जैसी कोई चीज नहीं है, ना हमारा उम्मीदवार उस तरीके से जातिगत हमने रखा है। और ये बात मैं आशीष जी कहूंगी कि चुनाव मुद्दों पर हो रहा है। 2014 का जो घोषणा पत्र था भाजपा का, उसमें एक भी वादे में मोदी सरकार कोई भी सफलता हासिल नहीं कर पाई, हर मुद्दे पर विफल रही है, उसको शून्य दिख रहा है और उसकी धरती दरक चुकी है। उस दरकती हुई धरती पर अगर चाहे पश्चिम बंगाल हो, जहां जाकर के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी जिस तरीके से कहते सीआरपीएफ ना होता तो मैं बच ना पाता, और वही मोदी जी कभी अपने आप को अलग अलग, मेरे ख्याल से मोदी जी तमाम अपनी जातियां बता चुके हैं, 8-10 जातियां तो बता ही चुके हैं, मुद्दों पर कभी बात नहीं करते। क्या प्रधानमंत्री जी नोटबंदी पर बात करेंगे, जीएसटी पर बात करेंगे, रोजगार पर बात करेंगे, गरीबी पर बात करेंगे? कांग्रेस जो इन्होंने खाई उत्पन्न कर दी है उसको लेकर के न्याय योजना के तहत हम आ रहे हैं। चलिए, और सिर्फ हमारी योजनाएं नहीं है, हमें राजस्थान का वक्त हो गया। देखिए हमें कमर्शियल के साथ भी न्याय करना पड़ता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी लौटेंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देखिए अब आएंगे हम विनीत शुक्ला जी के पास। विनीत शुक्ला जी, आपकी पार्टी भी जात पात की राजनीति नहीं करती, कांग्रेस भी जात पात की राजनीति नहीं करती, जैसा कि आप और कांग्रेस प्रवक्ता बता रहे हैं उसके मुताबिक आप दोनों तो एक मतलब एक तरह की राजनीति करते हैं, फिर इतना विभेद क्यों है आपस में?
असित जी, हमारे और कांग्रेस में भेद ये है कि 55 साल इनके सत्ता भोग के, 55 महीने मोदी जी के सेवा के, जो जनता के बीच उन्होंने सेवा की, ये कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, तो कल मैं डिबेट में बैठा था तो किसी ने कहा कि कांग्रेस से गुजरती हुई आई हैं ममता जी, तो कांग्रेस की जो आदत थी सत्ता छीनने की, खूनी संघर्ष के जरिए 84 के दंगे कराए, क्या वो न्याय योजना के तहत कराए, कौन सी न्याय करेंगे उनके साथ, 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को आज तक के न्याय नहीं मिला, क्या न्याय करेंगे, सन्यासियों पे इंदिरा जी ने गोली चलवाई थी, क्या न्याय करेगी कांग्रेस, उस न्याय के आधार पे अगर चुनाव हैसियत है इस कांग्रेस की तो 84 के दंगों पे चुनाव लड़े। तो इतना क्या चिंतित हो रहे हैं विनीत जी आप, और टॉपिक तय है और चर्चा उसी बात पर होगी, बड़ी सीधी सी बात है। ये अपना अपना एजेंडा लेके आप लोग बैठ गए, आप चाहते हैं कि आप जो एजेंडा तय करके आए उस पर हम डिबेट करें, तो नहीं करेंगे। डिबेट का टॉपिक तय होता है साहब, सवेरे से दर्शकों को हम बता रहे हैं कि इस विषय पर डिबेट करेंगे, आप लोग दूसरे विषय पर शुरू हो गए। हम सवेरे से प्रोमो चला रहे हैं कि भाई आज का विषय ये है डिबेट का, आप लोग अपने अपना एजेंडा लेके बैठे पड़े हैं यहां साहब। तो आइए आप बात करते हैं आम की खेती में कितना मुनाफा है, आइए फिर इसी पर कर लेते हैं। जब इसी तरह की बात करनी है पूछो आम जवाब आएगा इमली, तो इमली आम की ही बात कर लेना बेहतर होगा, सवाल का जवाब तो आ नहीं रहा है, आम का सवाल पूछो इमली का जवाब। संदीप शुक्ला जी, अच्छा लगा आपने ईमानदारी से एक्सेप्ट किया कि आपने फला जाति के उम्मीदवार को उतारा है और उससे इनको उनको परेशानी है, एक ईमानदार जवाब था। तमाम राजनीतिक दल ये करते हैं, जातीय समीकरण के हिसाब से टिकट देते हैं, लेकिन ईमानदारी से स्वीकार करने की हिम्मत किसी में नहीं होती है, सीने का माप बता देने से हिम्मत नहीं आती, ये बात भी बहुत साफ है। संदीप शुक्ला जी, जातीय समीकरण समझाइए वहां का, और वहां की जातीय समीकरण से किसको नुकसान है, किसको फायदा है, और आज क्या बात है कि इतना महत्वपूर्ण हो गया है कुशीनगर जी। देखिए दो चीजें हैं, पहले तो हम जवाब देंगे, भाजपा के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं जाति की बात नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने आप को पिछड़ा वर्ग का, पिछड़ी जाति का बताया था इन्होंने चुनाव शुरू होते ही, क्यों पिछड़ी जाति का बताया, क्या जरूरत थी उनको अपनी जात बताने की। नंबर दो, उत्तर प्रदेश का ही ले लें, बहुत ना जाए, उत्तर प्रदेश में 3 पार्टियों से जो उनको अलायंसेज दिखे, पहला अपना दल से क्यों किया और अपना दल के प्रत्याशी को मिर्जापुर से क्यों लड़ाया, क्योंकि वहां पटेल जाति का बाहुल्य है। गठबंधन क्यों किया, क्योंकि पटेल जाति बनारस को भी प्रभावित करती है और बनारस में उसका लाभ मिलेगा, इसीलिए अपना दल से, वरना अपना दलों को उस समय कोई पूछ नहीं रहा था 2014 में। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जब बनारस आए, लोगों ने बताया कि पटेल जाति का अच्छा प्रभाव है वहां पर बनारस में, तो उनको अपना दल को लेना पड़ा और साथ में एक सीट देनी पड़ी, मिर्जापुर से लड़ा दिया उनको। और क्यों मिर्जापुर से लड़ाया, उनको लड़ा सकते थे जौनपुर से, लेकिन जौनपुर में न जीत पाती, पटेल जात का वोट मिर्जापुर में ज्यादा है। दूसरा, निषाद पार्टी से गठबंधन किया इस बार, निषाद तो जात के नाम पर पार्टी ही बनी है, ऐसी पार्टी से गठबंधन भाजपा को करने की क्यों नौबत आई जो जाति पर ही बनी है। तीसरा, उन्होंने राजभर को वोट मोड़ने के लिए, बाद में नहीं पटी लेकिन विधानसभा में उन्होंने राजभर समाज को जोड़ने के लिए, और उन्होंने कहा फिर विधानसभा में करेंगे, ओम प्रकाश राजभर जी से गठबंधन किया। तो उत्तर प्रदेश में ही 3 ऐसे दलों से जो जात के आधार पर राजनीति करती हैं और जात के आधार पर उनका वोट बैंक है, उनसे गठबंधन करना और खुद को अपने को पिछड़ी जात का नेता बताना क्या सिद्ध करता है, और वहीं पर टिकट का वितरण जहां जहां हुआ वहां जातीय आधार पर सारे टिकट बांटे गए हैं। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, नहीं स्पष्ट बात है। चलिए मैं यही कहूंगा कुशीनगर के लोगों से, जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि भाई देखिए बुद्ध जात पात नहीं करते थे, तो जात पात के आधार पर वोट देकर अगर आप बुद्ध के भक्त हैं तो बुद्ध की आत्मा को ही ठेस पहुंचाइएगा, बुद्ध की आत्मा को बड़ी पीड़ा होगी, नकली भक्ति मत दिखाइए। 30 सेकंड दे दे मात्र। बुद्ध के असली भक्त हो तो जाति पाति के आधार पर वोट मत कीजिएगा। इसी तरह कुछ वंशियों से भी कहूंगा, न राम जाति पाति वाले थे, न लौ कुश जाति पाति वाले थे,
तो जाति पाति के आधार पर जाकर अपने पूर्वजों की आत्मा को दुखी मत कीजिएगा, कलंकित मत कीजिए अपने कुल को, वो जात पात करने वाले लोग नहीं थे। राजनेताओं को जवाब मिल जाएगा, राजनेताओं के चक्कर में क्यों अपने पूर्वजों की आत्मा को आप लोग दुखी करने जा रहे हैं, अपने आराध्य की आत्मा को क्यों दुखी कीजिएगा, इन नेताओं के चक्कर में भगवान बुद्ध की आत्मा दुखी कर दीजिएगा, राम के पुत्र कुश की आत्मा को आप दुखी करेंगे इन नेताओं के चक्कर में, ऐसा मत कीजिएगा, एक बार जात पर टुकरा के देखिए। नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, विनीत शुक्ला जी, मंजू दीक्षित जी, संदीप शुक्ला जी और संतोष दोहरे जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।